भाजपा के लिए भस्मासुर है, हमारे लिए क्या चुनौती। मैं पूरी तरीके से आज तक पॉलिटिशियन नहीं बन पाया हूँ। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमानित और प्रताड़ित नहीं किया। भाजपा के गले में छुरा रख कर लाए हैं टिकट। रघुवर दास के साथ 5 साल तक उनकी सरकार में मिनिस्टर बने रहे और हमेशा जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमारे क्षेत्र की जनता ने इनको चुनकर बनाया था और इन्होंने बीच मझधार में जनता को धोखा देकर भगोड़े की तरह भाग गए मैदान छोड़कर। हवा का रुख ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है और जनता मालिक है और जनता अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान लाने का ये सरकार ने प्रयास किया है। इसलिए जनता पूरी तरीके से पुनः जो है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा पूर्ण उम्मीद है हमको। सरयू राय पुराने प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और इस बार तो चुनावी मैदान में भी सामने है, कितनी बड़ी चुनौती है ये? चुनौती भाजपा के लिए है, उन्होंने हमेशा भाजपा के लिए चुनौती बनने का काम किया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। उस समय भी आप देखिए लोकसभा के चुनाव में डुल्लू में तो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ में चले गए वो धनबाद लोकसभा में, और डुल्लू में तो खिलाफ जो है चुनौती चेतावनी सब दे रहे थे, इतना में उनका पेट नहीं भरा तो चले गए चतरा। भाजपा के प्रत्याशी थे काली बाबू कालीचरण सिंह जी, सीधे साधे आदमी थे वो, उनके विरुद्ध भी चले गए थे चतरा और जाके उनको भी चुनौती चेतावनी देकर उनको भी हराने का पूरा प्रयास किया। ये अलग बात है कि इनके चुनौती और चेतावनी जो है हवा हवाई होते हैं। फिर ये जमशेदपुर में भी इन्होंने भाजपा के बहुत सारे लोगों को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, जेल तक पहुंचा दिया। रघुवर दास के साथ 5 साल तक उनकी सरकार में मिनिस्टर बने रहे और हमेशा जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, हमेशा भाजपा की सरकार को गाली देते रहे। तो ये चुनौती तो भाजपा के लिए है और भाजपा के लिए भस्मासुर है, हमारे लिए क्या चुनौती है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए तो ये एक ऐसा प्रतिनिधि है जो हमारे क्षेत्र की जनता ने इनको चुनकर बनाया था और इन्होंने बीच मझधार में जनता को धोखा देकर भगोड़े की तरह भाग गए मैदान छोड़कर। हमारे लिए चुनौती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, चेतावनी है, क्या है भस्मासुर है वही लोग जानते हैं। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो ये टिकट लेकर आए हैं गठबंधन का, ये टिकट भी ये पूरी तरीके से भाजपा के गले में छुरा रख कर लाए हैं टिकट। मतलब समझिए कि बेमन से उन्होंने टिकट दिया है, अपनी परंपरागत सीट कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन चूंकि केंद्र की सरकार में जदयू जो है उस सरकार में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, गठबंधन की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, इसलिए भाजपा नहीं चाहते हुए मजबूरी में इनको टिकट दिया है। लेकिन मजबूरी में टिकट तो दे दिया है, लेकिन मजबूरी में आदमी दिल नहीं देता है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, जिन्होंने मेहनत किया है और जिसके दिल में जो है भाजपा के प्रति प्रेम है, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लोग हैं तो हम निश्चित है कि इस लोकतंत्र में बीजेपी के खिलाफ नैतिकता के आधार पर अपनी बात को रखेंगे, नीतिगत बात को रखेंगे। लेकिन हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपमानित और प्रताड़ित नहीं किया, हमने कभी उनका जो है कि राजनीति को राजनीति की तरह से किया है। लेकिन इन्होंने तो व्यक्तिगत रूप से भाजपा के लोगों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, कितने लोगों का दुकान बंद करा दिया, कितने भाजपा के नेताओं पर, यहाँ तक भी नहीं रुके तो भाजपा के नेता के बच्चों पर भी झूठा मुकदमा करा दिया। तो ये भाजपा के लोगों को तय करना है कि जो उनके चिड़िया के घोंसला में जो गिद्ध आके बैठा है, वो गिद्ध जो है चिड़िया के बच्चों को कितना जो है सुरक्षित रखेगा, ये तो भाजपा के लोग जानते होंगे। जिस तरह से भाजपा में एक झूठ है, झूठ की आशंका है, बड़ी संभावना मानी जा रही है, उसमें क्या एनडीए गठबंधन को और आपको फायदा पहुंचेगा? नहीं देखिए, हम लोग तो टूट फूट करने वाले लोग नहीं हैं और ना हम लोग टूट फूट को प्रसरण देने वाले लोग हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ, व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए
वो अपना निर्णय करता है, तो जो अपना निर्णय करेंगे वो उनका स्वतः का निर्णय होगा। सुना जी, जब आप विधायक हैं और फिर मंत्री भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं, उनके नाराजगी भी, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, आप मानते हैं चुनौती होगी, आप मंत्री भी रहे इलाके के लिए पूरे प्रदेश में भी? नहीं, मेरे मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं है, चूंकि मैं पूरी तरीके से आज तक पॉलिटिशियन नहीं बन पाया हूँ। आज तक मेरा जीवन राजनीतिज्ञ के रूप में जीवन नहीं रहा है, और मैं कभी कभी ये कहता भी हूँ कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोशल वर्कर, बिकॉज नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट अ कमिटमेंट, इट इज़ अ डर्टी मैनेजमेंट। सो माई नेचर, कल्चर, वर्क और पैटर्न, लिविंग, थिंकिंग, थाट, ऑल इज सोशल, एंड आई एम डूइंग ओनली सोशल वर्क बिकॉज आई नो सोशल वर्क इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल बेस। सो आई एम डूइंग ओनली सोशल वर्क। तो मेरा बेसिक नेचर जो है ये पॉलिटिकल वाला नेचर नहीं है, मेरा एक नेचर है सामाजिक जीवन जीने वाला नेचर है। और जब भी हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने हमको मंत्री का दायित्व तो दिया, जनता ने हमको जो है सेवक के रूप में विधायक का जो है उपाधि दिया, लेकिन हम आज भी अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीते हैं। और सरल सहज मिलना जुलना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ घुल मिल जाना, लोगों के दुख तकलीफ में बैठ जाना, उनके साथ जो है उनके हर चीज़ में शामिल हो जाना, ये मेरी फितरत है। इसलिए मेरे जैसे लोगों के साथ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ें नहीं हैं, मेरे जैसे लोगों के साथ जो है एंटी इनकम्बेंसी प्रभावशाली नहीं हो पाती है, और इसलिए मुझे इस सब चीज़ों का कोई भय नहीं है। सर, एक सवाल, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी उम्मीदवार वो भी दे रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं, जो कह रहे हैं लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बनना होता है, एक बड़ा वोट बैंक वो खतरे में? अरे देखिए, ये सब वो लोग कयास लगाते हैं जो लोग केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। हम लोग जैसा आदमी जो है ना, हम लोग तो एक चीज बचपन से सीखे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो, आन न कभी झुकने पाए, सान न कभी रुकने पाए, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो। अब हम इस सब से यदि इस सब पर टीका टिप्पणी करने लगेंगे तो नेता ना बन जाएगा। बना जी, एक सवाल और पूछ लेते हैं कि जैसा कि आप लोग जाहिर सी बात है चुनाव में है, आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर ये कहा गया कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है, इवन की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसे बयान आए बड़े नेताओं के। कहा जा रहा है कि ऐसा ही झारखंड में भी कहीं आप लोग दावा तो नहीं कर रहे हैं जमीनी हकीकत को बोले बिना? अब देखिए, वो तो अब हमारे पास तो कोई लिटमस टेस्ट करने का कोई पेपर है नहीं कि मैं लिटमस टेस्ट करूं। मैं इतना जानता हूं कि जो मेरा वर्क ऑफ पैटर्न है, लिविंग थिंकिंग थॉट है, जो मैंने काम किया है, जो लोगों की सेवा किया है, और जो लोगों के साथ मेरा मृदुभाषी जीवन है, वो मेरा एक मजबूत आधार है। और ना तो मैं भविष्यवक्ता हूं, ना ज्योतिषाचार्य हूं, और ना मेरे पास ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएँ हैं जो हमको जो है हवा का रुख देख के बता देंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। वो भाजपा के बड़े लोगों और विद्वान लोगों का काम है, वो लोग पहले बता देते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। आखिरी सवाल, जीत के बाद जमशेदपुर की जनता को कौन सी बड़ी सौगात? नहीं देखिए, जीत और हार तो अभी चूंकि जनता मालिक है, और जीत हार के बीच में इस तरह की टीका टिप्पणी करना एक जो है बचकानी बयानबाजी होगी। चूंकि जनता मालिक है और जनता मालिक है, तो जनता के सामने हम नतमस्तक है, जब रिजल्ट आएगा इसके बाद इस सब चीज का जवाब देंगे। ये 5 साल से आपकी योजना से जनता तो खुश है काफी, लेकिन इस पर आपके मतलब कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए आप क्या कदम? देखिए, अभी हमने 200 सीसीटीवी कैमरा जो है वो अधिष्ठापन करने का हमारा जो है योजना था, उसको और हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाकर जो है शहर में शांति व्यवस्था कैसे, विधि व्यवस्था बहाल हो, इसकी भी दिशा में काम करेंगे। और जो हमारी बहनें जो है बेरोजगार हैं, या जो हमारी गरीब बहनें हैं, उन लोगों को हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट करके उनको जो है ऐसे रोजगारों से जोड़ेंगे जो रोजगार के तहत उनके सामान जो है वो बाज़ारों में बिक सके और उनकी माली हालत ठीक हो। और इसी के को दृष्टिगत करते हुए हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना लाने का काम किया, जिसमें पहले हम 1,000 रुपया दे रहे थे, उसको बढ़ाकर 2,500 देने का काम दिसंबर से चालू होगा। और जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हक का 1 लाख
36,000 करोड़ रुपया हमको दे देगी, उस दिन ये झारखंड में हम ना जाने और कितने चौमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे।